अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स। दोस्तों नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे FG स्कूल्स की जॉब्स के बारे में। जी हाँ, वजारत दिफा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जॉब्स नाउंस हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। इसमें आप लोग मेज और फीमेज अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब्स और सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है जॉब्स। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे jobs.info लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब लिस्टेड है। अब आपने यहाँ पे ये मोर जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको पोस्ट नज़र आ रही है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जॉब्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। तो जब आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़े से नीचे आकर आप इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं और कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंट्स गैरिसन, और ये जो स्कूल्स होते हैं FG स्कूल, ये पाकिस्तान आर्मी के जो कैंट्स होते हैं वहाँ पे ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ये काम करते हैं। तो ये परमानेंट जॉब होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और क्लास फोर्स की भी वैकेंसीज़ हैं। अब यहाँ पर अब आपने गौर से समझना है वीडियो को, एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले है, हम बात करते हैं थोड़ा सा जूम करके टीचिंग स्टाफ में। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है मेल्स के लिए। ठीक है, इसमें ग्रेड 15 में, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। दो वैकेंसीज है मेरिट पे और KPK का यहाँ पे कोटा है, 18 से लेकर 30 साल तक एज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज हैं और लाइब्रेरियन खवातीन। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में और रेलेवेंट डिप्लोमा हो, और इसमें एक वैकेंसी है ओपन मेरिट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल्स है। ठीक है, और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स है। तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। इसमें आपके पास इंटर क्वालिफिकेशन हो और आपके पास जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, CT या फिर BEd या फिर MEd, जो इस किस्म के प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसमें जो है वो 10 वैकेंसीज हैं मेल्स के लिए और एक वैकेंसी है फीमेल के लिए। कोटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरिट और इसके अलावा पंजाब, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कोटा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल्स हैं, मेट्रिक क्वालिफिकेशन हो और लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट हो, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल है। इसमें भी लाइब्रेरी साइंस में आपके पास जो है मेट्रिक क्वालिफिकेशन और लाइब्रेरी साइंस में आपके पास जो है इसमें डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंड मास्टर है मेट्रिक क्वालिफिकेशन और आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ मेल्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया टीचिंग स्टाफ की जॉब्स। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 15 पे, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, और BA BSc BCOM इस तरह से। ठीक है, दो वैकेंसीज है मेरिट पे कोटा है और फीमेल का एक कोटा है पंजाब की फीमेल का। ठीक है, अकाउंटेंट है BCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी 5 वैकेंसीज है मेरिट पे कोटा है पंजाब की फीमेल्स का, सिंध का और KPK का और बलूचिस्तान का इसमें कोटा है। ठीक है, उसके बाद UDC है अपर डिवीजन क्लर्क, इंटर क्वालिफिकेशन हो और आपको जो है वो आफ्टर सिलेक्शन जब आप सिलेक्ट होंगे तो एक साल के अंदर अंदर आपको कंप्यूटर कोर्स पास करना होगा 3 हफ्तों का, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। तो इसकी 40 वैकेंसीज हैं, इसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है स्टोर कीपर, इसमें इंटर क्वालिफिकेशन हो और इससे ये मेरिट पे सीट है। LDC है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें मेट्रिक क्वालिफिकेशन है, 24 वैकेंसीज हैं इसमें आपकी जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पे कोटा है, आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लेबॉरेटरी असिस्टेंट है मेट्रिक क्वालिफिकेशन और 48 वैकेंसीज हैं। ठीक है, मेट्रिक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें पंजाब का भी कोटा है, सिंध और KPK, बलूचिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर का भी यहाँ पर कोटा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है क्लास फोर्स की। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लास फोर्स की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। इसमें यहाँ पे ये जो क्लास फोर्स की वैकेंसीज हैं ना, ये वाले ये हैं लोकल्स की, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे लिखी हुई है ना सिटीज़। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर है मेल्स, प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन हो और LTV लाइसेंस हो। उसके अलावा यहाँ पे GOP है, तो इसमें मेल्स कर सकते हैं, प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और डुप्लीकेटिंग मशीन चलाने का आपको जो है वो पता होना चाहिए। लेबॉरेटरी अटेंडेंट है, मेल्स फीमेल दोनों प्राइमरी पास अप्लाई कर सकते हैं। नायब कांस्टेबल है, मेल्स और फीमेल्स दोनों प्राइमरी पास अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार है, मेल्स प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। माली है, प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडक्टर है, प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और खाक रूब है, मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोकल्स की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे जो सिटी मेंशन है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट लिखी हुई है, देखें यहाँ पे हम आपको बताते चलें, तो ये देखें 18 से 25 साल, 18 से 28 साल और 18 से 30 साल, इन सब में आपने 5 साल मज़ीद ऐड कर लेनी है, क्योंकि हर कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में रियायत दी गई है, ठीक है, जनरल रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं। उसके अलावा मज़ीद रिलैक्सेशन भी दी गई है जो इससे बिलोंग करते हैं, कम्यूनिटी से, आज़ाद कश्मीर से और बैकवर्ड एरिया से, गिलगित से और सिंध और बलूचिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ से, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, डिसेबल्स के लिए और ऐसे सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जिनके जो ड्यूरिंग सर्विस जिनकी जो वफात पा गए हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। आपने करना है कैरियर और सॉरी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई आपने ऐसे करना है कि आपको यहाँ पे लिंक नज़र आएगा, यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे तो ये देखें फॉर अप्लाई क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड को भी चेक कर सकते हैं। फॉर अप्लाई क्लिक है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, ये देखें फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अपलोडेड सून, ठीक है। आपने आज शाम तक या कल तक यहाँ पे इसको चेक करना है, इंशाल्लाह यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने इसमें अप्लाई कर लेना है फीस जमा करवा के, और आपको यहाँ पे सारी अपडेट इसी लिंक पे यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद ही होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।